थोड़ा थोड़ा तोड़ जोड़ के आपको शायद देखना पड़ेगा ऐसा है। फिर मैं देख रहा हूँ, अगर मेरे से हो गया तो मैं कर दूँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर सेशन से ही शुरुआत करनी थी, और एक किसी ने क्वेश्चन पूछा था, और मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। वो बंदे तो शायद यहाँ के ही है, उन्होंने पूछा था, भैया एक पीर है, उनका नाम है सूफ़ी तारिक, पाकिस्तान के रहते हैं, प्लीज़ आप उनके बारे में ध्यान करके बताएं। और मतलब और भी उन्होंने नाम दिए, बहुत दुआएं लगेगी आपको और आपको खुद को बताएं। व्हाट्सएप नंबर करूँगा, मेरे नाम तस्लीम है, जो कुछ भी है उनको जानना था पीर के बारे में, मैं उनको जानता हूँ। और भैया के बाद में अगर कोई मुझे इतना स्पिरिचुअली इतना स्ट्रॉन्ग किसी को मैंने देखा हो ना, तो वो मैंने उनको देखा हो। ये पाकिस्तान के एक सूफ़ी है, उनका नाम है मियाँ हुजूर जी। तो उनका मतलब वो चैनल मियाँ हुजूर के नाम से वो जाने जाते हैं, उनके यूट्यूब चैनल का नाम है रूहानी जवाहिर, तो जिसको देखना सबसे। लेकिन वो मुस्लिम सूफ़ी है, लेकिन उनकी स्टडी भी हिंदू गुरु के थ्रू ही हुई है शुरुआत में। तो मैंने भी उनके काफ़ी सारे वीडियो देखे, और मैंने जब उनको देखना शुरू किया था तो इनके पीछे ना मुझे कोई सिद्धि नहीं दिखती, कोई खड़ा हुआ नहीं दिखता, बहुत बड़ी लाइट दिखती है, और लाइट के बहुत पीछे एक बहुत बड़ा पैलेस दिखाई देता है। ये मुझे आज तक किसी में नहीं दिखाई दिया, एक बहुत बड़ा पैलेस दिखता है, पैलेस का हर एक कमरा एक पैलेस की तरह है। अभी कोई बोलेगा ये कैसे, ध्यान वाले लोग को पता चल जाएगा, पैलेस का हर एक कमरा एक पैलेस की तरह है, और उसके हर एक कमरे में इंडिया पाकिस्तान सऊदी अरब के जितने बड़े बड़े सूफ़ी वली रह चुके हैं, वो सारे के सारे वो एक एक कमरे, अब इसका मतलब ये नहीं कि सारे वो कमरों में रहते, उनके तो लोग अलग है, लेकिन सब लोग वो अंश से जॉइंट है, तो उनके पीछे वो सारे के सारे दिखाई देते। और उनके जो गुरु है दादा मियाँ, जो इनको उनको बोलते थे, वो मियाँ हुजूर के दादा मियाँ, उनके पीछे राइट साइड में तीन लाइट वाले जो फरिश्ते टाइप होते ना, वो दिखाई देते, जिन नहीं फरिश्ते टाइप, जिनकी लाइट थोड़ी कम होती, फरिश्ता एकदम फोकस की तरह लाइट चमकती, ये उनके पीछे मुझे दिखाई देते। अब मैं इसमें मेरा एक्सपीरियंस क्या था मैं बताता हूँ। जैसे भैया का मैं फ़ैन हूँ, मैं भैया के लिए मतलब भैया ने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, भैया का तो मैं इंटरनली फ़ैन हूँ। ये ऐसा था कि जिनके मैं वर्क देख के खुश हो गया था, जैसे मैं सद्गुरु का काम देखता था, लेकिन बाद में अब दृष्टि खुली तो फिर बहुत सारे गुरु हैं, मैं सबको गुरु मानता हूँ, कोई नेगेटिव बात नहीं लेता, ठीक है, सबके अच्छे अच्छे पॉइंट्स में देखता हूँ। ये गुरु एक ऐसे थे ना जो मैं बहुत ज़्यादा अटैच हो गया, उनका काम देख के, उनकी साधनाएँ देख के, उन्होंने जो जो काम किए उसको लेके, हिंदू मुस्लिम दोनों में उन्होंने बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन दिए हुए, तो वो मैंने जब देखे ना, गुरु को तो मैं देख चुका था, लेकिन उनकी साधनाएँ देख के मैं फ़ैन हो गया। अब ये हुआ ये कि उन्होंने पाकिस्तान का नंबर दिया, अगर कॉन्टैक्ट करना है तो आप कर सकते हो, वो एक्चुअल में उनके जो ग्रुप्स वाले वो चला रहे, तो मैंने उनको मैसेज भेजा कि मैं इंडिया से हूँ, मैं पाकिस्तान तो आ नहीं सकता, लेकिन जैसा आप बोलते हो कि आशीर्वाद देना, मैंने बोला कि अगर हो सके तो उनको बोलना आशीर्वाद देने के लिए, और मैं ये काम ऑलरेडी कर रहा हूँ, और उसके रिगार्डिंग में अगर मेरे लिए कोई मतलब कमांड हो उनका, कि जैसे मैंने बताया कि मैं भूत प्रेत और नेगेटिविटी के इलाज के लिए लगाओ, मन्नू भैया करके धाम है, हम लोग यहाँ पे ये काम करते हैं, हमारी दृष्टि को लिए हम ये चीज़ें देख लेते, काम कर लेते, उसके अलावा अगर आपके लायक मेरे लिए कुछ होगा तो आप वहाँ से मेरे को सेंड कर देना, या जो कुछ भी है। मेरे को कोई रिप्लाई नहीं आया, दो दिन निकल गए, दो दिन के बाद मैंने व्हाट्सएप पे क्वेश्चन मार्क का रिप्लाई डाल दिया, फिर दो दिन और निकल गए तो मैंने लिख के भेजा कि प्लीज़ अगर हो सके तो, अगर नहीं भी बोल सकते हो नो का तो रिप्लाई कम से कम दे दो, क्योंकि आप लोग के यहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया, वो भी चला गया, दो अलग नंबर पे मैंने भेजे थे, दोनों बराबर मैसेज भी फॉरवर्ड हो गए। तो कोई बात नहीं, ये समझने वाली बात है कि अभी उनको भी तो हज़ारों मैसेज आते होंगे, सबके तो जवाब दे नहीं सकते वो, लेकिन उन्हें वो ब्लू टिक हो गया था, मुझे इतना समझ में आ गया, खोल के मैसेज देखा हुआ, लेकिन उन्होंने इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा शायद, मैं ठीक है, मैं थोड़ा मायूस हो गया, तो मतलब कोई बात नहीं। अभी ये मैं समझ सकता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे भी कॉल करते, मैसेज डालते, मैं सबको रिप्लाई नहीं करता, सेम चीज़ मेरे साथ हुई, मैं वहाँ पे खुद की प्रॉब्लम या खुद को चेक करने के लिए फ़ोन नहीं कर रहा था। आप लोगों में से जो लोग मुझे फ़ोन मैसेज डाल रहे हो कि मुझे चेक कर लो, मुझे चेक कर लो, मैं आपको रिप्लाई नहीं दे सकता। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेगा कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ उसके लिए आपकी क्या गाइडेंस है, तो मैं बता दूंगा। अगर आप बोलोगे मैं क्या करूँ, तो उसका जवाब मेरे पास नहीं है। तो वैसे ही मैंने उनको मैसेज डाला, कोई रिप्लाई आया नहीं। एक मिनट,
तो उनका कोई रिप्लाई आया नहीं, तो मैंने बोला छोड़ो कोई बात नहीं। मायूस तो था मैं, 3-4 दिन तक 5 दिन तक मायूस था, लेकिन मैं डेली याद करता था और डेली दिन दिन भर बैठ के उनके वीडियो देखता था, क्योंकि उन्होंने ना भूत प्रेत के इलाज को लेके, जादू के तोड़ को लेके बहुत सारे वीडियो बनाए, तो मैं उनको फॉलो करता था ताकि मैं वो चीज़ सीख लूँ तो कल को मेरे वो काम आए। अब मतलब उनको मैसेज डाले हुए 10-12 दिन हो गए थे, मैं रोज़ मैसेज रोज़ फ़ोन देखता था तो कभी रिप्लाई नहीं आया, वीडियो रोज़ देखता था और मैं अपना काम करते गया उस पर, मैं काम छोड़ा, मैं रुका नहीं कि मुझे वहाँ से रिप्लाई नहीं आया। मुझे जो काम था उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना चुके, तो मैं उस पर से सीख रहा था। एक दिन मैं ध्यान में बैठा था और अचानक में मैंने देखा कि मेरे सामने से एक पर्दा जैसा हटा, मतलब अब मुझे तो आदत हो चुकी तो मुझे तो मालूम है कोई ना कोई आ ही रहा है। मैंने देखा मियाँ हुजूर चलते हुए आ रहे, और मेरी खुशी, मतलब आप किसी का इतना वेट कर रहे हो, आप इतने बड़े फ़ैन हो, और मतलब मैं पता नहीं कैसे एक्सप्रेस करूं, लेकिन वो डिज़ायर के मतलब मैं नहीं, मेरी इतना मतलब मेरी आंख से आंसू आना शुरू हो गए थे, तो मैं इतना खुश हो गया था कि उन लोगों को मैंने मैसेज डाला और मैं उनके पीछे फॉलो अप कर रहा हूँ। उनको मैंने बताया भी कि मैं मतलब बाय प्रोफेशन मेरा काम अलग है, मैं ये सिर्फ काम सेवा के लिए करता हूँ, लेकिन मेरे कोई रिप्लाई नहीं आया। मेरा दिल भर गया और मेरी आंख से आंसू आने लग गए, और वो मियाँ हुजूर चलते हुए बोले अस्सलाम वालेकुम, तो मैं वालेकुम सलाम बोला और मैं मतलब कांपने लग गया, मेरी आंख से आंसू आने लग गए। मैं बोला मियाँ हुजूर आप ऐसे यहाँ पे, तो बोले हाँ, मुझे ऊपर से ऑर्डर आया कि बोले जाओ करीम खान से मिल के आओ। मेरी आंख से आंसू आना चालू हो, मैं कांप रहा हूँ अभी भी ना, मेरे को रुक जाओ एक मिनट। हाँ तो मैं थोड़ा, तो मेरा एक्सपीरियंस अब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अपन थोड़ा इमोशनल कंट्रोल करेंगे तो वीडियो में गड़बड़ हो जाएगी। अब वो आए और मैं, मेरी आँख से आँसू भर पे, मेरी बॉडी शिवर मतलब वाइब्रेशन आ रही है, और मैं इतना खुश हो गया कि मतलब मैं किसी का बहुत बड़ा, हालांकि मैं बहुत सालों से फ़ैन नहीं करता उनका, मैं 1-2 महीने से फॉलो कर रहा था, और वो सामने आ गए और उन्होंने बोला अरे मुझे ऊपर से ऑर्डर आया कि जाओ करीम खान से मिल के आओ। अरे मैं इतना खुश हो गया और मैंने मतलब मैंने ऐसे बोला आप मैं बताओ क्या करूँ। तो बोले कोई नहीं, क्या करते हो तुम, क्या पढ़ते हो। मैंने बताया मैं सूर्य क्लास पढ़ता हूँ। बोले बस वही बहुत है, बस उसी को तिलावत करो। और उन्होंने 2-4 चीज़ बताई कि मुझे ये पढ़ना है, तो मैंने इजाज़त मांगी कि मैं सूर्य फातिहा पढ़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोले हाँ पढ़ने की इजाज़त आपको, बिल्कुल पढ़ने की इजाज़त है, ठीक है। और वो 2 मिनट तक बात की उन्होंने, बोले ठीक है। और फिर बोले, और उन्होंने मेरे को कुछ चीज़ें बताई, मैं वो नहीं बता सकता लेकिन ठीक है। और मेरे को बताया कि सूर्य क्लास की तिलावत कंटिन्यू करते रहो, हाँ बस वही चलता है, हाँ सही है। तो मैंने बोला मन्नू भैया करके गुरु है जो मेरे, हाँ बोले मुझे पता है, हाँ सही है वो। और 2-3 टिप्स और मुझे दिए कि मुझ पर, बोले नमाज कुरान सब बराबर पढ़े करो टाइम पर, ठीक है, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। अब मैं खुश, एक्साइटेड, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। फिर बोले चलो मैं इजाज़त लेता हूँ। मैंने बोला जी शुक्रिया, और बोले कभी भी होगा तो बिल्कुल भी याद कर लेना, ठीक है। बोले अरे मैं क्या आपको याद करूँगा, बोले अरे नहीं हम आ जाएंगे। तो मैं मतलब ठीक है, अब ये मैं मुँह से बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे दिल में थॉट चल रहे हैं और वो हो रहा है। वो चले गए, मेरी आँख से मैंने आँसू पोंछा, मैं एकदम खुश हो गया, मैं एक्सटेसी में था। 2-3 सिद्धियाँ मुझे देकर चले गए, और 2-3 मतलब पावर कुछ चीज़, किताब और ऐसी सेलेक्टेड चीज़ वो मुझे देकर चले गए। तो मियाँ हुजूर जो रूहानी जवाहिर करके YouTube पे चैनल है, बहुत बड़े गुरु है, बहुत पावरफुल, और जो उनकी साधना उन्होंने बताई है, उन्होंने इस लेवल की साधना की, और वो जो डीप बातें हैं ना, मतलब अगर मैं ये डायरेक्ट वीडियो देख रहा होता ना जिस, तो मुझे शायद इतनी बातें समझ में नहीं आती, क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हूँ और बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज, मतलब मैं ध्यान करता हूँ मुझे पता है। तो वो एक एक बात बताते, वो किस लेवल तक बताते, और बहुत अच्छी मतलब उनकी नॉलेज थी। तो और वो एक गुरु है जिनके पीछे मैं पूरा पैलेस देखता हूँ, और उस पैलेस के एक एक कमरे में पूरे वली पीर सबके सब वो पैलेस में रह रहे हैं, ऐसा उनके ठिकाने कहीं और है, लेकिन एक अंश हमेशा पीछे रहता है। ऐसा जैसे मन्नू भैया एक है लेकिन हज़ारों लोगों के पीछे खड़े हो जाते हैं, सपने में आ जाते हैं, मैं बुलाऊंगा तब भी मेरे पीछे खड़े हो जाएंगे। तो जिसकी सूक्ष्म दृष्टि वो देख लेगा कि इसके पीछे मन्नू भैया खड़े, कैसे ये गुरु में कैपेबिलिटी होती है, वो अंश होता है, वो आपके साथ में भेजा जा सकता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस, और वो बहुत बड़े गुरु है, अगर आपको फॉलो करना है उनकी बहुत सारी बातें आप फॉलो करो। मेरे तो ध्यान में दर्शन हो चुके हैं, तो फिर मेरी बात अलग है, बाकी आपको अगर उनसे
इजाज़त लेनी है तो जैसा भी आप फॉलो कर सकते हो। फिर किसी ने मुझे ये पूछा कि वाहेगुरु के बारे में कुछ बताइए, गुरु नानक जी के बारे में बताइए। वाहेगुरु का मेरा एक्सपीरियंस ये था, एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक मैं घर पे चाय पी रहा था और मैंने टीवी देखते देखते आँख बंद से ब्लिंक किया ना, तो मेरे को दिखा वाहेगुरु जी की छवि दिख गई। मैंने आँख बंद किया, मेरे सामने वाहेगुरु, मैंने फटाक से चाय रखा, मैं भाग के गया और कुर्सी पे आके बैठ गया, क्योंकि मुझे ये पता चल गया था कि भैया ध्यान, मतलब मेरे साथ ऐसा होने लग गया था। ऐसा नहीं कि मैं ध्यान में बैठूंगा तो दिखना, 24 घंटे कभी भी कुछ ना कुछ दिखना शुरू हो जाता था। मैं आँख बंद करता था, सीधा पिक्चर शुरू हो जाती थी। तो वाहेगुरु जी 2 घंटे तक मैं देखता रहा उनको, ठीक है, जिसमें से 1 घंटा मैं ऐसे आँख बंद करके बैठा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। दूर एक ऐसा गोल बना है, ये झाड़ है, झाड़ के नीचे वाहेगुरु बैठे और काफ़ी सारे स्टूडेंट बैठे और लाइट।